इस वीडियो को देखने के बाद आप गलती से भी लाइव स्ट्रीमिंग करने का नहीं सोचोगे। यह लड़का अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है और वो काफी समय से बैठे बैठे बोर हो जाता है, जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग करने का सोचता है और लाइव आ जाता है, लेकिन उसके व्यूअर्स की संख्या केवल 10 होती है। जिसके बाद उसे एक SMS आता है जिसमें लिखा हुआ था कि यदि तुम अपने व्यूअर्स की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करो। जिसके बाद वो लड़का उस लिंक पर क्लिक कर देता है और लिंक पर क्लिक करते ही उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ग्लिच होने लग जाती है, जिसके बाद उसके सामने एक वीडियो ओपन होता है जो उसकी ही बिल्डिंग के पार्किंग लॉट का होता है। जिसके बाद वो आदमी उसकी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का सोचता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। जिसके बाद बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो आदमी एक चाकू निकालता है और सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है। जिसके बाद आदमी एलिवेटर के अंदर आता है और उसके फ्लोर का बटन दबा देता है। अब लड़का ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे उसके व्यूअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही होती है। आखिर उस लड़के के साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा।